आज हम देखने जा रहे हैं टॉप 5 बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी सही हैं और हैकर वन बग क्राउड से डिफरेंट हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जो हैकर वन और बग क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म हैं वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिसर्चर्स ज़्यादा हैं, डुप्लीकेट वगैरह आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम प्लेटफॉर्म देखने जा रहे हैं वहाँ पर प्रोग्राम्स अभी के लिए कम होंगे, बाउंटी भी कम होगी क्योंकि इनमें से कुछ नए प्लेटफॉर्म होंगे इसलिए। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। आपको बग हंटिंग प्रोफाइल बिल्ड करनी है तो आपके पास ही एक अच्छा मौका है। तो चलिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म देखते हैं, हैक रेट, और इसका ये जो डोमेन है वो रजिस्टर हुआ है 18 दिसंबर 2019। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 2020 में ये डोमेन रजिस्टर हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि एक संग इस पे सारे प्रोग्राम लॉन्च हो गए होंगे, वेबसाइट लाइव हो गई होगी, धीरे धीरे प्रोग्राम लॉन्च हो रहे होंगे। अभी हम देखेंगे एक एक करके सबकी वेबसाइट आगे, पहले हम सब इन प्रोग्राम्स को देख लेते हैं और डोमेन कब कब रजिस्टर हुए हैं। अब यहाँ पे देखो एक बग बॉप नाम का है जो कि बिल्कुल नया है, जो कि 2025 में ही रजिस्टर हुआ है ये डोमेन। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है अगर आपको इस पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है हैक प्रूफ, ये 2024 में, ये भी एक काफ़ी नया प्लेटफॉर्म है जो कि 2024 में जिसका डोमेन रजिस्टर हुआ है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है जामा सिक्योरिटी, एक कंपनी है, उसका बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है जामा, जो कि 2020 में डोमेन रजिस्टर हुआ है। और आखिर में हमारे पास आता है एपिक बाउंटीज़। अभी के लिए इसको आप कंसीडर करना भी और नहीं भी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि जब ये मैंने प्लेटफॉर्म इकट्ठे करे थे तब इसमें एक प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक प्रॉब्लम है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अब इनकी वेबसाइट्स पे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया हैक रेट, और यहाँ पे अगर मैं लीडर बोर्ड पे चलूँ तो ये इनका लीडर बोर्ड है। यहाँ पे आपको रिसर्चर दिख जाएंगे, उनके स्कोर और ये सब दिख जाएगा, और आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा जो हमने बताया जो कि बिल्कुल नया है, 2025 में लॉन्च हुआ, वो है बग बॉप। इसके प्रोग्राम्स को देखते हैं, यहाँ पे देखो अभी कितने कम प्रोग्राम हैं, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी नया प्लेटफॉर्म है, आपके पास बहुत चांसेस हैं इस पे प्रोफाइल बिल्ड करने के, आगे तक जाने के, तो इसको ज़रूर कंसीडर करना। अब आ गया हमारे पास हैक प्रूफ, यहाँ पे भी हमारे पास थोड़े कम ही प्रोग्राम्स होंगे क्योंकि ये 2024 में लॉन्च हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो इसके ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इसमें से कुछ प्राइवेट भी दिख रहे हैं, ये एक प्राइवेट प्रोग्राम है, इसको आप देख सकते हो। और जामा सिक्योरिटी का जामा बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, इस पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अब हम देखने वाले हैं एपिक बाउंटीज़ को। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जो कि एक नोटिस है, और इसमें ये लिखा है कि ये अभी फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अभी इसको पॉज कर दिया है। लेकिन ये पॉज एंड नहीं है, ये जल्दी ही इनको जैसे ही फंडिंग मिलेगी ये दोबारा से चालू कर देंगे अपने प्रोग्राम्स को लाना और बाउंटी देना। तो इसको आप देखते रहना, यहाँ पे भी चांसेस हैं। और इसका एक अल्टरनेट मैं बता देता हूँ, अगर आपको अपने हिसाब से कोई प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है तो ये गिटहब रेपो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ओपन सोर्स बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और आपको भी अगर कोई मिले तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ये देख लो यहाँ पे ये सब नाम है और कौन सी कंपनी का है, किस कंट्री का है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये थे कुछ प्लेटफॉर्म्स, इनमें से आप किसी पे भी अपना अकाउंट बना के शुरू कर सकते हो। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में।